चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जुड़ जाइए हमारे आईटी गुरु एजुकेशन की दुनिया से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आईटी गुरु, माय सेल्फ फ्यूम। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं अपनी आवाज जो है वो कैसे रिकॉर्ड करता हूं। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझसे दोस्तों कमेंट में पूछ रहे थे कि भैया आप अपनी ट्यूटोरियल जो बनाते हैं उसमें दोस्तों आवाज आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी इतनी बेहतरीन जो मैं आवाज आपको देता हूं वो कैसे आती है। यानी मैं बहुत ही अच्छी आवाज यहां पे नहीं देता हूं, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, मुझसे भी अच्छी बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर जो है वो आपको आवाज देते हैं, लेकिन मैं अभी तक जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने अभी तक वॉइस के साथ में मैंने देखा है, वो मैं अभी अभी आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ। यानी मैं बताऊंगा कि मैं दोस्तों अपनी ट्यूटोरियल वीडियोस में कैसे आवाज रिकॉर्ड करता हूँ, कैसे इतनी बेहतरीन आवाज आप सबके सामने दे पाता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में वैसे भी आप लोगों को बोलना है, तो अभी कर दीजिए, फिर अपने चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए बहुत यहाँ पे भैया 30 मार्क वाली चीजें नहीं है कि आप इतना घूमो फिरो। यानी बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते होंगे भैया रोड का माइक ले लो, ये माइक ले लो अगर आपको अच्छी साउंड क्वालिटी निकाली, लेकिन दोस्तों ये सभी चीजें एक्सपेंसिव है। हाँ, कंपनीज हैं, रोड है या फिर कोई भी है तो अच्छी कंपनीज हैं, आवाज बेटर देती हैं, लेकिन अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, आपके पास बजट कम है, तो बिल्कुल भी आप इन सभी चीज़ों को बाय मत कीजिए। मैं पहले ही सजेस्ट कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और अगर अभी आपका बजट नहीं है तो प्लीज़ इन सबसे दूर रहिए और मैं आपको जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ आप उस पर फोकस करिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक आपको माइक ऑर्डर करना है। हाँ, मैं माइक ऑर्डर करने की बात कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे अरे यार अभी तुम बताओगे 1500 का ले लो, 1600 का ले लो। नहीं भाई, मैं 1600 या फिर 1500 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बोया M1 की, जो हो सकता है सभी लोग जानते होंगे, जितने भी यूट्यूबर होंगे वो सभी जानते होंगे कि बोया M1 है क्या और कैसी साउंड क्वालिटी देता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी परेशान है क्योंकि बोया भी उतनी अच्छी आवाज़ नहीं देता, लेकिन इस चीज़ से मैं डिनाई करता हूँ। बोया M1 बहुत अच्छा माइक है, अगर आप उसकी सेटिंग्स अच्छे से कर ले जाते हो, अपने जिस चीज़ से रिकॉर्ड करते हो, तो आपकी आवाज़ जो है वो काफ़ी बेहतर होगी। हालांकि दोस्तों बोया M1 जो है वो आपको मिल जाता है मात्र 1000 रुपये के अंदर, यानी 1000 रुपये आपको रखना है। अब आप ये मत कहना भैया कि ये भी बहुत ज़्यादा है यार, अगर यूट्यूबर बनना है और अगर इतना स्ट्रगल नहीं कर पाया तो भैया यूट्यूब पे मत आओ, रहने दो, आप छोड़ छाड़ दो। लेकिन अगर आप सीरियसली अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो साउंड क्वालिटी जो है बहुत ही मैटर करती है, इसलिए बोया M1 जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप ले लो, एकदम आँख बंद करके ले लो, बहुत ही अच्छा माइक है। उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप आते हो तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट कैमरा में माइक लगा देते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता, जैसा कि मैं अपना करता हूँ मैं वो तरीका आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले एक लैपटॉप या फिर एक फ़ोन चूज करना है। बोया M1 पे जो आपको बटन मिलेगा स्मार्टफोन और कैमरे का, तो आपको उसको स्मार्टफोन पे ही रखना है, उसको नीचे कर दीजिए। उसके बाद आप अपना जो दोस्तों माइक है वो आप लैपटॉप में कनेक्ट कीजिए। ओके, आप लैपटॉप में कनेक्ट करके वॉइस जो है वो आप लैपटॉप से रिकॉर्ड करिए और जो वीडियो है वो आप अपने कैमरा या फिर मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करिए। अगर आपके मोबाइल फ़ोन है आपके पास तो आप डायरेक्ट अपना जो माइक है वो आप डायरेक्ट मोबाइल में लगा के रिकॉर्ड करिए। अदरवाइज अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, कैमरा है, DSLR है, तो आप उसमें डायरेक्ट माइक ना लगाइए। मैं यही आपको सजेस्ट करता हूँ, बोया M1 जो है वो डायरेक्ट आप कैमरे पर लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो नॉइज़ है वो आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ दोस्तों स्मार्टफोन या फिर आप लैपटॉप में अपना जो माइक है वो कनेक्ट करते हैं और जब भी आप कैमरे के सामने बैठिए तो कैमरा ऑन कर दीजिए, आप जो अपना वॉइस है वो आप लैपटॉप या फिर माइक्रोफोन जो मोबाइल है उसके थ्रू आप रिकॉर्ड करिए, और उसके बाद आप जब वीडियो एडिटिंग करिए तो आवाज़ को यानी कैमरे की आवाज़ को और जो आपका माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हुआ है उसकी आवाज़ को आप सिंक करिए। ठीक है, सिंक करना जिनको नहीं पता है तो उनको मैंने उनके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, अगर लोग फिल्मोरा यूज़र हैं तो आप जा सकते हैं, ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ से आप सिंक करना समझ जाएंगे कि हाँ सिंक कैसे होता है। ओके, तो आप याद रखिए कि कैमरे का जो साउंड है यानी कैमरे का जो इनपुट है माइक्रोफोन का वो आप ऑफ मत कीजिए। रिकॉर्डिंग के समय आप कैमरे की भी आवाज़ ओपन करिए और फिर जिस डिवाइस से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे आपने अपना जो माइक्रोफोन है यानी बोया M1 जो है वो आपने कनेक्ट कर रखा है, उससे उसको भी दोस्तों आप ऑन रखिए, यानी आपकी आवाज़ माइक्रोफोन में भी रिकॉर्ड हो और आपकी आवाज़ आपके कैमरे में भी रिकॉर्ड हो। उसके बाद ही दोस्तों आप ऑटो सिंक का यूज़ करके, अगर आप प्रीमियर प्रो चलाते हैं तो उसमें तो भैया ऑटोमेटिक सारा काम होता है, सिर्फ आपको जो वॉइस है वो ऊपर नीचे ट्रैक में रखनी है
आवाज़ आपकी ऑटोमेटिक मैच हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिल्मोरा यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ता है। अगर आप फिल्मोरा प्रो की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे भी ये बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ऑटो के, आप ऑटो यूज़ करिए। बट अगर आप फिल्मोरा हैं, बहुत सारे लोग फिल्मोरा यूज़ करते हैं, तो इन केस में आपको मैन्युअली थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन आप वेव फॉर्म देख के आप आराम से कर सकते हो। तो ये बस की सीक्रेट है, बाकी मैं कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं यूज़ करता। मैं 1000 रुपये की चीज़ मैंने खरीदी है और वो बोया M1 है, जो कि मेरे पास आप देख सकते हैं ये बोया M1 है। तो यही है, बस इसी से मैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूं। और अभी भी अगर आपका कोई दोस्तों यहां पे सुझाव है, आप हमें देना चाहते हैं, या फिर आपका कोई कंफ्यूजन है इस माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग, या आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप दोस्तों मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी जो आवाज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो गई होंगी। तो भैया अगेन वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।